दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान डिप्रेशन में आके सुसाइड क्यों कर लेता है, या फिर कभी एनिमल्स क्यों नहीं करते सुसाइड? और दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर आप बिना रॉकेट के सिर्फ एक पेपर की मदद से अगर आप चांद पे जा सके तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही मस्त अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जिन्हें देख के आप एकदम चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात पे शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 15। दोस्तों, 19 सेंचुरी में जब कैमरा का आविष्कार हुआ था, तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि उस पूरी सेंचुरी में इतने फोटोज नहीं लिए गए थे जितने अभी हर 2 मिनट में लिए जा रहे हैं। यानी अभी हर 2 मिनट में जितने फोटोज लिए जा रहे हैं वो पूरी सेंचुरी से भी ज्यादा के हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, माचिस की तीलियां हम लोग हमेशा आग जलाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये अमेजिंग बात पता है कि माचिस की तीलियों से पहले लाइटर का इन्वेंशन हुआ था? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लाइटर का इन्वेंशन। दोस्तों, लाइटर का इन्वेंशन माचिस की तीलियों से 3 साल पहले हुआ था, और दोस्तों सोचिए कितनी अमेजिंग बात है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, च्युइंगम तो आप लोग हमेशा खाते ही होंगे, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 1848 में च्युइंगम इन्वेंट हुआ था, लेकिन दोस्तों बात यही खत्म नहीं हो जाती है। दोस्तों, साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें चौंका के रख दिया है। दोस्तों, 10,000 साल पुराने लोगों का DNA उनको एक चबाई हुई च्युइंगम में से मिला, और दोस्तों वो समय स्टोन एज का था। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी तो हॉट डॉग जरूर खाया होगा, और दोस्तों अगर खाया होगा तो उसका प्राइस प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा हॉट डॉग मिलता है आपको $169 का। सोचिए दोस्तों कितना महंगा है, और अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आती है कुछ 11,830 रुपए। दोस्तों, इसका प्राइस इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे कि स्मोक्ड चीज बर्गर टॉप्ड विद बटर टेरियाकी ग्रिल्ड ऑनियंस मैटैक मशरूम्स वेवगू वीफ शेव्ड ब्लैक टफल्स और बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, पोस्ट बॉक्स नॉर्मली कहाँ पे होता है? दोस्तों जमीन पे ना। मैं आपसे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुसामी बे जो जापान में है, वहाँ पे एक ऐसा पोस्ट बॉक्स है जो 10 मीटर अंदर है पानी के। और दोस्तों जापान में ऐसा एक पोस्ट बॉक्स इसलिए बनाया गया ताकि सुसामी बे में बहुत सारे लोग या फिर टूरिस्ट आने लगे सिर्फ उस पोस्ट बॉक्स को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, पार्किंग स्पॉट्स वो जगह होती है जहाँ पे आप लोग अगर मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी कार्स खड़ी करते हैं, लेकिन दोस्तों हांगकांग में एक पार्किंग स्पॉट को खरीदने का जो दाम है उसका दाम सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, एक आदमी ने पार्किंग स्पॉट को खरीदा हांगकांग में जिसका कॉस्ट पड़ा उसको $1 million का। और दोस्तों अगर हम लोग इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आती है कुछ अप्रोक्स 70 करोड़ रुपए। दोस्तों, दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी अजीबो गरीब बाइसाइकल्स मौजूद है, और दोस्तों जिन्हें लोग चलाते भी हैं। और दोस्तों इन बाइसाइकल्स ने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि इस बाइसाइकल ने बनाया है दुनिया की सबसे लंबी बाइसाइकल होने का रिकॉर्ड, और ये बाइसाइकल 135 फीट लॉन्ग है, और इसका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम सबको पानी पीने की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, लेकिन इस चूहे को नहीं। दोस्तों ये सच में चूहा नहीं है, ये है एक कंगारू रैट। और दोस्तों इसे पानी पीने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि नेचर ने इसे सबसे बड़े यूरेटर्स प्रोवाइड किए हैं, और दोस्तों जिसकी वजह से इसका यूरिन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिससे इसको पानी पीने की नीड कभी फील ही नहीं होती है। और दोस्तों पूरी लाइफ साइकिल में बिना पानी के ही जीता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम लोग एक नॉर्मल बनाना खाते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है, और दोस्तों उसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं होते, लेकिन अगर वाइल्ड बनाना की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर बस बीज ही बीज होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो कुछ ऐसा समझ आता है हमें। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग बनाना के साथ अपना 60% DNA शेयर करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस बनाना को हम लोग खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं हाइब्रिड है, जिसे हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है।
दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट माइंड ब्लोइंग लगा तो दोस्तों अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियोस की सबसे पहली अपडेट। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 2016 में अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन की पॉपुलेशन थी, लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट की पॉपुलेशन थी 23 बिलियन। 7 बिलियन लोग और 23 बिलियन डिवाइसेस, सोचिए दोस्तों 3 गुना डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड थी। और अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो पर पर्सन 3 डिवाइसेस का एवरेज आ रहा था। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों प्रेसिपिटेशन वो फॉर्म होती है जिसके अंदर वाटर अर्थ के सरफेस पे गिरता है, चाहे वो स्नो हो, रेन हो, स्लीट हो या हेल हो। और दोस्तों अगर आपको मैं एवरेज बताऊं तो अगर एक साथ इस पूरी दुनिया का पानी अगर बारिश के फॉर्म में नीचे गिर गया तो दोस्तों प्रेसिपिटेशन रेट का हो जाएगा 1 इंच अबव द अर्थ सर्फेस, यानी अर्थ के सरफेस से 1 इंच ऊपर तक पानी रहेगा। और दोस्तों अगर हम लोग चाहें तो इसे कुछ बाढ़ की स्थिति भी कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों चांद पे जाने के लिए हमेशा रॉकेट का यूज होता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप बस एक पेपर के टुकड़े से जा सकते हैं चांद पे तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 42 टाइम्स पेपर को कुछ इस तरह फोल्ड करते जाएंगे तो दोस्तों उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपको वो सीधा चांद पे पहुंचा सकती है। दोस्तों चांद की और हमारी पृथ्वी की दूरी होती है इतनी, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 42 टाइम्स अगर पेपर को फोल्ड करें तो उसकी थिकनेस कितनी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी ये, मतलब पेपर की थिकनेस आपको चांद से भी दूर ले जाएगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप लोगों को कभी जब मच्छर काटता है तो क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि आपकी पूरी बॉडी के खून को सोखने के लिए या सक करने के लिए उन्हें कितने सारे मच्छरों की फौज बुलानी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये एवरेज निकाला जाए तो 12 लाख मॉस्किटोज यानी 12 लाख मच्छर मिलके आपकी पूरी बॉडी के खून को सोख सकते हैं, सोचो दोस्तों। नाउ इट्स टाइम फॉर फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जर्मनी में एक सेंट बर्चेट नाम का एक चर्च है जहां पे 2001 में 15 सितंबर के दिन एक डांस कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ था, और दोस्तों जिसके एंड होने की शेड्यूल डेट है 2640, यानी ये डांस कॉन्सर्ट 639 ईयर्स तक चलता रहेगा। अरे डांसर्स भाई साहब जाओ यहां से। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इंसान अक्सर स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेता है जैसे सुसाइड, लेकिन कभी एनिमल सुसाइड क्यों नहीं करते? दोस्तों एनिमल सुसाइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो भी उन्हें सीखना होता है उनकी पूरी जिंदगी में वो सब वो बचपन में ही सीख लेते हैं, और दोस्तों बड़े होके उनको कोई फेलियर या सक्सेस की फीलिंग ही नहीं होती, या फिर किसी और चीज को या कोई नई चीज को सीखने का स्ट्रेस, तो वो लोग कभी भी सुसाइड के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और दोस्तों बारी आ गई उस चीज की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों आज का भी बोनस फैक्ट यही है कि आप बहुत लकी है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं।